रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में एक यात्री की मौत, कई घायल। दिल्ली से कानपुर जा रही रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने हुई भिड़ंत में एक यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र का है, जहां भोगांव कुरावली जीटी रोड मार्ग पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने दिल्ली से 35 सवारियां लेकर कानपुर जा रही किदवाई नगर डिपो बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर लगने से बस में आगे बैठा यात्री शीशा तोड़कर बाहर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक परिचालक समेत बस में सवार चार लोग घायल हो गए। वहीं ट्रक चालक व परिचालक भी घायल हो गए। घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। सूचना पाकर सीओ भोगांव अमर बहादुर सिंह व इंस्पेक्टर भोगांव पहुप सिंह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस चालक होटल पर चाय पीने के लिए बस को रोंग साइड में लेकर जा रहा था, तभी कोहरे के कारण हादसा हुआ। मैनपुरी से दिलनवाज की रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। आज भोगांव छाछा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है रोडवेज बस और ट्रक में, फिर कितने लोग इसमें घायल हैं, क्या है पूरी घटना? आधार कार्ड मिला है, एक बच्चे का नाम है करण, सवारी रोडवेज में जी, वो एक्सीडेंट के साथ ही बाहर निकल गए और उनको ये है अठौरा मेहदीनपुर जी, कुल मिला के 5 लोग घायल हैं, दो ट्रक के एक ड्राइवर है उसका कंडक्टर है। ये यहाँ छाछा में रोडवेज और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, ये सवारी थे इसमें रोडवेज। सब लोग को जिला अस्पताल पहुँचवा दिया गया है और इनको तुम देख के बताओ कहाँ है, हम फोटो भेजे तुम्हारे पे व्हाट्सएप है इसमें। क्या नाम आपका? मनोज कुमार सिंह। आप ड्राइवर हैं गाड़ी? जी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई? घटना क्या सर, हम इससे सीधा आ रहे थे, ये भी सामने हम आ गए, हम बाएं थे, इनको बाएं आना चाहिए था, बाएं गए। आपकी साइड तो उधर थी, रॉन्ग साइड आप आए हुए? जब हम ट्रैफिक यही चल रही थी। अच्छा अच्छा, जाम लगा हुआ था? हाँ। नहीं, और गाड़ियाँ बैन नहीं, उधर नहीं था गाड़ियाँ, जिससे आए थे गाड़ी आ गए और हमारे घर चल रही थी। अच्छा, कौन से डिपो की गाड़ी है? किदवाई नगर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दिल्ली से कानपुर। दिल्ली से कानपुर, कितनी सवारियाँ थी गाड़ी? 35 सवारी हो गई। कितने लोग घायल हैं इसमें? कंडक्टर घायल है, चालक मान घायल है, एक दो और किसको चोट लगी? बस दो ही लगे, वो पैर हो गया है। किसी की मौत भी हुई है? तुम गए नहीं उसमें?